हाय व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ प्लांटिंग फॉर लिविंग में। और आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, वो ये है कि क्योंकि हमारे पास हैंगिंग पॉट्स नहीं होते, तो मिट्टी के बर्तनों से कैसे हैंगिंग पॉट बन सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ड्रिल मशीन, मिट्टी के बाग, वायर और प्लास। तो पहले हम इसमें एक होल बना लेंगे आराम आराम से, क्योंकि अगर आप ज़ोर से करेंगे तो मिट्टी का बाग टूट भी सकता है। तो इस तरह से एक होल बन गया हमारा। अब जब एक होल बन जाएगा तो हमने इसके तीन साइडों पे होल बनाने हैं। मैंने तीन बनाए, आप चार भी बना सकते हैं, लेकिन इसको हल्के हल्के ड्रिल करना है। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे, हैंड रखेंगे इसके ऊपर, ज़्यादा पुश करेंगे तो ये टूट भी सकता है। तो ये तीन होल हो गए। इसी तरह से आपने तीन होल बना लेने हैं और ये आराम आराम से इसको ड्रिल करके, और बाकी जो बॉल हैं उनके अंदर भी इसी तरह से तीन तीन होल बना के इनको रेडी कर लेना है। उसके बाद इसके नीचे जो बॉटम है वहाँ पे भी आपने एक होल बनाना है, ठीक है, ताकि वहाँ से पानी ड्रेन अच्छे तरीके से कर सके और एयर भी पौधे को अच्छे से मिल सके। जिस तरह से ये होल बन गया है, ठीक है, तो उसके बाद आपने तमाम जो बॉल पड़े उनके अंदर भी होल कर लेने हैं ऐसे ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से होल बना लेना है सारे बॉल्स के अंदर। एक एक होल से भी काम चल सकता है, अगर आप दो करना चाहते हैं तो दो भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने ये होल बनाए। फिर आगे आपने क्या करनी है, वायर लेनी है। वायर कट करनी है, तो वायर कट करने का पहले तो इसको आप स्ट्रेट भी कर लेंगे ताकि ये बैंड ना रहे। स्ट्रेट कर लेंगे तो ये अच्छे से हैंग कर सकेगा। तो आप इसको पहले खोल लेंगे वायर को। अब मैं आपको वो पिंस दिखाता हूँ जिसमें आपने इन होल्स के अंदर डालने हैं, क्योंकि ये थोड़े मजबूत होते हैं और इनको जंग बहुत देर से लगता है, तो आपने ये लगाने हैं इसके अंदर ताकि ये अच्छे से ये इसमें हैंग कर सके। तो ये इस तरह से जब लगा देंगे इस तरह से दिखेंगे ये, ठीक है। अब हमने इसके अंदर क्लिप तो डाल ली हैं, अब इसके बाद हमने इनको वायर के अंदर हैंग करना है। तो ये वायर के कुछ पीस काटे हैं मैंने, तो इसी लेंथ के आपने तीनों या जो भी है जितने भी हैंगिंग पॉट बना रहे हैं उनकी पीस काटने हैं, यानी इसको मैयर करके। तो आप इस तरह से इसको बैंड कर देंगे इन क्लिप्स के अंदर डाल के, ताकि ये अच्छे से इसमें हैंग कर सकें। तीनों वायरों को ऐसे ही डालना है। तो जो लास्ट वायर होगी वो सिंगल होगी, उसको उसके साथ लगा कर उसको भी प्लास की मदद से बैंड कर देना है अच्छी तरह से। इसके बाद हमारा इस तरह से हैंगिंग पॉट तैयार हो जाएगा। अब इसमें आपने पौधा लगाना है। अब ये पौधे लगाने के बाद मेरे हैंगिंग पॉट्स तैयार हो गए हैं। सफारा ग्रास और स्पाइडर प्लांट हैंगिंग पॉट में अच्छे से ग्रो करते हैं। आपको कोई बात समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।